हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग ऑफ पॉटी चेयर विद क्रेडल, जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ली है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको भी ये परचेज़ करनी है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ताकि हम इसे अरेंज कर सकें। वेस्टर्न सीड्स के लिए आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये पेरेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें सीट के साथ साथ एक क्रेडल भी है, यानी चेयर भी है, जिसमें बच्चा बहुत इजीली बैठ सकेगा। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितने अच्छे से की गई थी। ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत यानी कि डिफेक्टिव पीस नहीं है। इसमें एक एक पार्ट अलग दिया हुआ है जो कि हमें अरेंज करना पड़ेगा। इसमें नट्स और स्क्रू और एक की भी दी हुई है जिसकी हेल्प से हम इसे टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हम इसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी बेटी बहुत ही एक्साइटेड है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है उसे और बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें एक पेपर दिया गया है जिसमें दिया गया है कि आपको इसे कैसे अरेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले कौन सा पार्ट और फिर कौन उसके बाद कौन सा पार्ट अरेंज करना है, इसमें पूरा दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं, अभी हैंडल हम निकाल रहे हैं और इन्हें अरेंज कर रहे हैं। जब हमने ये ऑर्डर किया था उसके 2 या 3 दिन बाद ही इसकी डिलीवरी हो गई थी। अमेज़ॉन डिलीवरी में जैसे कि बहुत फास्ट है। अभी हमने इसका एक हैंडल लगाया है और आप देख सकते हैं, अभी हम दूसरा लगा रहे हैं जो कि थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके हैंडल और स्टेयर रेड कलर के हैं और इसकी साइड की रेलिंग ब्लू कलर की दी गई है और ऊपर की सीट जो है वो येलो कलर की है। तो देख सकते हैं आप, ये 3 कलर्स हैं और जिसकी वजह से बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा बच्चों को। वानी बहुत ही एक्साइटेड है और उससे वेट नहीं हो रहा है इसे अरेंज करने करने में, वो भी हेल्प कर रही है। तो आप देख सकते हैं, हमने इसकी सीट और हैंडल अरेंज कर दिए हैं और अभी हम इसे टाइट कर रहे हैं की की हेल्प से, इसके जो स्क्रूज और नट दिए गए हैं। और अभी हम इसमें स्टेयर अरेंज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है। अरेंज कर रहे हैं हम इस चेयर को और फाइनली इस चेयर का बहुत ही अच्छा लुक आएगा जिससे बच्चे बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसमें कंफर्टेबली बच्चे बैठकर पी कर सकते हैं। इसमें नट स्क्रू और ये की एक अलग से पैकेट में पैक होकर आए हैं जिससे इन्हें गुम होने की या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फ्लेक्सिबल है, अगर अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे उठाकर साइड में रख सकते हैं और जब भी बच्चे को ज़रूरत है तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं और बच्चे को इजीली बिठा सकते हैं। और इसके स्टैंड के नीचे ये स्टॉपर भी दिए गए हैं ताकि ये इधर उधर फिसले ना और एक प्रॉपर स्टैंड ले। फाइनली ये अरेंज होने वाली है और वानी बहुत ही एक्साइटेड है, वो बार बार कह रही है कि जल्दी करो जल्दी करो, उसे इसमें बैठना है। अब हम इसका ये दूसरा स्टॉपर लगा रहे हैं। ये थोड़े से आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से इसको अरेंज करना है और कैसे करना है, बट ये इतना टफ भी नहीं है कि आप ना कर सको। ये बहुत ही इजीली हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसके साथ एक पेपर एज अ गाइड आपको दिया हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है कि आपको कौन सा पार्ट कैसे अरेंज करना है। तो ये फाइनली चेयर तैयार हो गई है और अब वानी बहुत एक्साइटेड है इस पर बैठने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इसका फाइनल लुक ये इस तरह की दिखेगी अरेंज होने के बाद। और ये बैनी इस पर